ओम शांति। आज हम जिसका वर्णन करने जा रहे हैं, जिनकी यादें हमें अगस्त मास आते ही बिल्कुल आती है बल्कि सताने लगती है, वो है हमारी आदरणीय परम पूज्य परम पवित्र देवी स्वरूपा दादी प्रकाशमणि। क्योंकि हमारे यहाँ विशेष विशेष जो मुख्य हमारी दादियाँ हुई, और सब दादियों में विशेषता हमारी दादी कुमारका की रही, जिन्होंने बाप दादा को अपना जीवन सब समर्पित कर दिया, और बाबा ने भी दादी कुमारका को ही अपनी सारी विल पावर सौंप दी, अपने नैनों के द्वारा, हस्तों के द्वारा। और दादी हमारी सारे भारत तो क्या सारे विश्व की ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की चीफ बनी, तो विश्व की दादी हो गई। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा, तो विश्व कल्याणी हमारी दादी प्रकाशमणि, सारे जगत को ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली। और बड़े भाग्य की बात है कि कानपुर यूपी में हमारी दादी प्रकाशमणि और आदरणीय दादी गंगे दोनों ने मिल करके सेवाएं शुरू की। तो दादी जी यज्ञ से निकल करके प्रथम कानपुर आई, यहाँ की फाउंडर बनी। और दादी ने त्याग और तपस्या और सेवा इतनी की यहाँ पर कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन दिनों में अपने पास कोई साधन नहीं होते थे, तो गंगे दादी जी, कुमारका दादी जी और साथ में बाबा ने आनंद किशोर दादा को भेजा कानपुर की सेवाओं में, और दादा सेवा के साथी बने, सहयोगी बने। और यहाँ पर दादी का तो लंबा इतिहास है, कानपुर कैसे आना हुआ, बात 1954 की है, जब कुंभ मेला से निमंत्रण मिला था कानपुर का, तो दादी जी, गंगे दादी जी कानपुर आए। और कानपुर में आकर के जहाँ रुके हुए थे, जिन्होंने सेवाएं ली, तो वहाँ पर दादी जी सेवा करती थी एक सिंधी फैमिली में रह करके। और बाबा ने कानपुर की सेवा के लिए कि बेहद की सेवा हो, सेवा जल्दी बढ़े, वृद्धि को पाए, दादा आनंद किशोर को भेजा था। उस समय अपने पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, कोई व्हीकल नहीं था, तो दादी जी और गंगे दादी दोनों मिलके कैसे सेवा करती थी। आनंद किशोर दादा टेलीफोन की डायरेक्टरी से देखते थे कि कौन कौन वीआईपी है, कौन उद्योगपति है, तो दादा उस एड्रेस से ले करके टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लेते थे और उनसे मिलवाने के लिए जाते थे। तो एक समय दादी प्रकाशमणि साइकिल पर जाती थी, क्योंकि उन दिनों में अपने पास साधन नहीं था, तो भाड़े की साइकिल लेते थे जो 8 आना रोज की मिलती थी, और दिन भर के लिए ले लेते थे, शाम को साइकिल जमा करनी पड़ती थी। तो आधा दिन गंगे दादी साइकिल पे पीछे बैठ के जाती थी वीआईपी के मिलने सेवा के लिए, और आधा दिन दादी प्रकाशमणि जाती थी। तो कैसे दोनों दादियों ने कानपुर में किस प्रकार से सेवाएं दिल व जान से किया, और निरअहंकारी होकर के एक साइकिल पर बैठ के किसी उद्योगपति से मिलने जाना, दूसरा कोई हो तो उसको अभिमान आएगा कि हम इस हैसियत से कैसे जाएं, और वो बाहर तक सी ऑफ करते तो भी दादी साइकिल पे बैठ के आ जाती थी। दादियों को तो सेवा की धुन थी, रिंचक भी देह भान नहीं था कि हम जो है मान शान और साइकिल पे कैसे बैठे, नहीं, सेवा बाबा ने भेजा, बस सेवा करनी है, एक आज्ञा बाबा की पालन करनी है। और यहाँ तक कि दादी साइकिल पे जाते थे, एक बार तो
साइकिल से ही गिर गई थी, चोट आ गई थी दादी को, लेकिन फिर भी दादी सेवा करने जाती थी। तो प्रकाशमणि दादी ने बहुत यहाँ पे अपना कानपुर वालों के लिए दिल से, जान से, जिगर से, सांस से, समय, संकल्प, शक्ति लगा के यहाँ की फाउंडेशन डाली है। दादी जी कानपुर में बहुत सेवाएं दी,